नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो पर मैं आपको एयरटेल डीटीएच का जो सिग्नल है, डीडी फ्रीडिस का जो एमपेक 2 रिसीवर होता है, सेटअप बॉक्स होता है, उसकी सहायता से आपको मैं सेट करना बताऊंगा। आप किस प्रकार से डीडी फ्रीडिस सेटअप बॉक्स का इस्तेमाल करके आप एयरटेल डिजिटल टीवी का जो सिग्नल है आप आसानी से रिसीव कर सकते हैं। दोस्तों, यह एयरटेल का डिजिटल एंटीना है। अगर आप एयरटेल का सिग्नल सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसका जो LNB का पोजीशन है तो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में आपको रखना होता है। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो LNB का पोजीशन है इस प्रकार से है, तो आपको क्या करना है, इसे इस प्रकार से पकड़ के हल्का सा और आपको इस प्रकार से थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में कर देना है, तभी दोस्तों आपको एयरटेल का जो सिग्नल है रिसीव होगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आप देख सकते हैं कि यह DTH का फ्री वाला एमपेक 2 रिसीवर है और यह दोस्तों DTH का रिमोट है। सबसे पहले आपको अपने इस DTH सेटअप बॉक्स पर एयरटेल का जो TP है आपको ऐड करना है। तो हम दोस्तों इसका जो मेनू बटन है प्रेस करेंगे, इसके बाद आपको जाना होगा प्रोग्राम सेटअप वाले ऑप्शन पर। तो हम जाएंगे प्रोग्राम सेटअप वाले ऑप्शन पर। यहाँ दोस्तों आपको रिमोट का ओके बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको सबसे ऊपर ऐड न्यू प्रोग्राम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आपको रिमोट का ओके बटन प्रेस कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कि इस पर सबसे ऊपर इसका जो LNB फ्रिक्वेंसी है 09750106 डाला हुआ है। किसी सेटअप बॉक्स में अगर आप देखेंगे 05150 भी हो सकता है, तो आपको दोस्तों इसे सबसे पहले चेंज करना है। तो हम दोस्तों इसका जो LNB है चेंज करके यहाँ करेंगे 10600 और सेकंड नंबर पर भी हम 10600 कर देंगे, या कि फिर सेकंड नंबर पर आप 09750 रख सकते हैं। इस प्रकार से 09750। आपको दोस्तों इस प्रकार से अपने एमपेक 2 रिसीवर पर ऐड न्यू प्रोग्राम में जाकर इसका जो LNB फ्रिक्वेंसी है 10600 09750 आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद आपको एयरटेल का जो TP है तो आपको नीचे आना है ट्रांसफ़र फ्रिक्वेंसी में। आपको दोस्तों एयरटेल का जो TP है यहाँ ऐड करना है, इंटर करना है 11483, मतलब कि 11483। आपको 11483 एयरटेल का जो TP है आपको ऐड कर लेना है। अब दोस्तों आपको आना है नीचे सिंबल रेट में। अब आपको एयरटेल का जो सिंबल रेट है ऐड करना है 28800, मतलब कि 28800। अब दोस्तों आपको नीचे आना है पॉलिटी में और पॉलिटी को आपको वर्टिकल से चेंज करके इसे आपको हॉरिजॉन्टल कर देना है इस प्रकार से। और आपको दोस्तों नीचे आना है 22K वाले ऑप्शन पर, इसे आपको अगर यह ऑफ है तो आपको इसे चेंज करके ऑन रखना है। आपको केवल इतना ही रखना है। और नीचे वाला जो ऑप्शन है डिस्क स्विच का, आप दोस्तों इसे LNB 1 2 ऑफ कुछ भी रखेंगे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको दोस्तों सबसे पहले इतना काम कर लेना है। आपको इस TP को आपको अपने सेटअप बॉक्स पर ऐड कर लेना है। अब आपको अपने डिस्क को घुमाना होगा। तो आपको दोस्तों अपने डिस्क को किधर घुमाना है, अभी यह जो डिस है 93° ईस्ट DD फ्रीडिस पर सेट है। तो अब दोस्तों हम इसे DD फ्रीडिस से लेफ़्ट साइड घुमाएंगे। जब आप DD फ्रीडिस का सिग्नल सेट कर लेते हैं तो आपको एयरटेल का जो सिग्नल है आपको इसके लेफ़्ट साइड में मिलेगा। और थोड़ा सा दोस्तों आपको इसका जो
एलिवेशन है, आपको अपने डिस्क को डीडी फ्रीड से थोड़ा सा और झुका कर रखना होगा। तो आपको इसे थोड़ा सा झुकाना होगा। तो हम दोस्तों सबसे पहले इसे ढीला कर लेते हैं और हल्का सा हम इस प्रकार से डाउन कर लेते हैं। अब आपको अपने डिस्क को लेफ़्ट साइड ले जाना है और आपको दोस्तों टीवी भी देखना है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल क्वालिटी है 10% 11% 14% 16% 17% आ रहा है। दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा कि यह आपका एमपेक 2 रिसीवर है और यह जो टीपी है एमपेक 4 चैनल का है, क्योंकि आपके एयरटेल के जितने भी चैनल हैं सभी के सभी एमपेक 4 या फिर एचडी में हैं। इसलिए आपको एयरटेल का जो सिग्नल है आपके एमपेक 2 रिसीवर पर ज़्यादा आपको रिसीव नहीं होगा। आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो सिग्नल है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे इसका जो सिग्नल है करीब ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 17% के लगभग मिल रहा है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से इसका जो सिग्नल है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15, 16, 17 जितना भी जा रहा है आपको इसे बढ़ा लेना है। और आपको दोस्तों इसे डिस्क को आपको टाइट कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि डिस्क को एडजस्टमेंट करने पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रिसीवर पर एयरटेल का जो सिग्नल है हमें 16 से 17% के लगभग मिल रहा है। इसके ऊपर सिग्नल नहीं बढ़ रहा है और ना ही दोस्तों बढ़ेगा। आप याद रखिएगा, आपका जो सिग्नल है जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है आपको उतने पर ही अपने डिस्क को टाइट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एयरटेल डिजिटल टीवी का जो सेटअप बॉक्स है आपको लगा देना है। और आप दोस्तों केवल इतना ही करेंगे, आपके एयरटेल डिजिटल टीवी का जो सिग्नल है आपको रिसीव हो जाएगा। आप दोस्तों इस प्रकार से इस एमपेक 2 रिसीवर की सहायता से आप एयरटेल का सिग्नल जो है रिसीव कर सकते हैं। आपको दोस्तों केवल ये जो एयरटेल का टीपी है आपको याद रखना है। और एक बार दोस्तों आप याद रखिएगा कि अगर आप इस टीपी को ऐड करने के बाद अगर आप सेटअप बॉक्स को बंद कर देते हैं या फिर मेनू बटन को दबाकर बैक हो जाते हैं तो आपका दोस्तों टीपी भी रिमूव हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारा टीपी जो है फिर से रिमूव हो चुका है। अब दोस्तों आपको दोबारा से वही टीपी ऐड करना होगा एयरटेल डिजिटल टीवी का सिग्नल सेट करने के लिए। दोस्तों यह एक छोटा सा जानकारी था कि आप किस प्रकार से अपने फ्री वाले एमपेक 2 रिसीवर पर एयरटेल डिजिटल टीवी का जो टीपी है ऐड करके सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं, सिग्नल को सेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह छोटा सा जानकारी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्कार।